गाइस वेलकम टू फिल्मी मंत्रा, मैं हूं राकेश और आज हम आपको ट्यूबलाइट के 5 दिन के कलेक्शन के बारे में बताने वाले हैं। ईद के मौके पर ट्यूबलाइट रिलीज हुई थी, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी ट्यूबलाइट से, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि फिल्म को रिव्यूज़ अच्छे नहीं मिले। कहीं ना कहीं कहानी फिल्म को बहुत ज़्यादा लूज कर रही है, सलमान की परफॉर्मेंस लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, लेकिन कहानी की वजह से ऑडियंस जो है सिनेमाघरों में पहुँच नहीं रही। ईद के मौके पर जो है सलमान खान की जितनी भी फिल्में आती है 100 करोड़ 3 या 4 दिनों में ही कर लेती है, लेकिन ये फिल्म के 100 करोड़ अब तक ख़त्म नहीं हुए। फिल्म का बजट ही 100 करोड़ का है। पहले दिन में फिल्म ने जो है 21 करोड़ का बिजनेस किया, फिर सैटरडे के दिन फिल्म ने 21 करोड़ का बिजनेस किया, संडे के दिन फिल्म ने 22 करोड़ का बिजनेस किया। उसके बाद जो है फिल्म का जो कलेक्शन है लगातार घटता रहा है। मंडे के दिन 19 करोड़ का बिजनेस किया, ईद थी मंडे को। उसके बाद ट्यूसडे को फिल्म ने जो है 14 करोड़ का बिजनेस किया, यानी कि कल फिल्म ने 14 करोड़ का सिर्फ बिजनेस किया। तो फिल्म का पूरा जो कलेक्शन है वो 97 करोड़ तक का हो चुका है। वर्ल्ड वाइड जो है फिल्म ने 108 करोड़ कमाए हैं। तो इस हिसाब से फिल्म का जो कलेक्शन है बहुत ही कम है। फिल्म का बजट जैसे मैंने आपको बताया कि 100 करोड़ है और सलमान की फीस उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। जो प्रॉफिट आने वाला था उसके अंदर से शेयर करने वाले थे सलमान खान, लेकिन जो है फिल्म को लेकर कोई भी प्रॉफिट नहीं आ पाया है अब तक। और फिल्म अगर कमा भी लेती है तो जो है 130 या 140 करोड़ तक पहुंच पाएगी तो फिल्म हिट कहलाएगी, अदरवाइज जो है फिल्म को बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है। सैटेलाइट राइट बेचकर भी उतना जो है लॉस रिकवर नहीं किया जा सकता। और सलमान की फीस जैसे मैंने आपको बताया कि उनमें ऐड नहीं है, तो फिल्म जो है हिट नहीं हो पाई है अब तक। तो आने वाले समय में देखना ये होगा कि ट्यूबलाइट और कितना बिजनेस करती है, क्या लोगों को खुश करने में कामयाब होती है और आने वाले समय में क्या ट्यूबलाइट बॉक्स ऑफिस पर टिकी रहती है, क्योंकि फ्राइडे को और 2 फिल्में रिलीज होने वाली है, तो जो है ट्यूबलाइट का कलेक्शन और भी घट जाएगा इस बात को लेकर। तो आने वाले समय में ट्यूबलाइट कितना अच्छा बिजनेस करती है उसके लिए जुड़े रहे फिल्मी मंत्रा के साथ। और भी बहुत सारी न्यूज़ हम ट्यूबलाइट को लेकर आने वाले हैं। तो आपको फिल्म कैसी लगी, आपने अगर अब तक नहीं देखी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताया कि आपको फिल्म कैसी लगी और कितना बिजनेस करेगी आगे आने वाले समय में। तो जुड़े रहे फिल्मी मंत्रा के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।